हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ सोरिया रोबस्टा मेरा कलेक्ट हुआ फोटो को ये पत्ता अच्छा दिखने वाली हूँ, जो कि एक जैसे कि ऐसा देख लो आप। मैंने आपको आपने खाना खाया होगा स्टील के प्लेट में, खाते हो आप लोग खाना, क्योंकि सिल्वर का में खाना भी अच्छा बोला जाता है। लेकिन क्या आप कभी पत्तों के थाली में खाना खाए हो? पत्तों से बना हुआ नेचुरल जो कि डिस्पोजेबल है, आपको धोने का झंझट नहीं, इजिली अवेलेबल है और आप फ्रेशनेस की फील करोगे। स्पेशल ओकेजन जैसे कि हमारे पार्टीज ये सब में होते हैं, उसमें स्पेशल प्लेट ऑर्डर किया जाता है। व्हाई नॉट दिस? ये सब लोग सबका किसी को इनकम मिलेगा इससे, इसके थ्रू इसको इनकम मिलेगा। आप ये सब चीजों को इनकरेज कर सकते हो। होममेड थाली को बढ़ावा देना इसमें चाहिए। खाना खाने से आपको मतलब एकदम अच्छा फील आएगा, एंटीऑक्सीडेंट वाला आएगा और इसमें जो फूड होगा वो बहुत टेस्टी लगेगा। नेचर का खाना, खाना यहीं से आता है ना, तो उस पत्ते में आप खाओगे तो आपको नेचर से कनेक्टेड रहोगे, जैसे कि आप यहाँ पर बीमारी से दूर रहोगे। आपको एकदम प्रोसेस दिखा रही हूँ कि इसे बनाया कैसे जाता है। ये सब ट्राइबल्स जो हैं ये सब बनाने एकदम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे और पत्ता इतना, उसमें जो स्मेल आएगा, फ्रेशनेस का जो फील आएगा ना, एकदम अलग होगा। और आप खास करके पार्टीज में खाना खाना पसंद करोगे ये सब चीजों को। ये सब चीज को मैं बस इस मेरा बस सबसे बड़ा चीज क्या पता है, जैसे कि केरला में लोग बनाना और क्या पत्ता में खाते हैं, लेकिन झारखंड के लोग क्यों नहीं खाते हैं? उन्हें भी खाना चाहिए। इसका बेनिफिट्स भी तो मल्टीपल्स हैं, जब ये अवेलेबल है नेचर में तो क्यों ना इसको किया जाए। आप देख सकते हो कि जैसे कि ये तैयार हो रहा है, कटोरा बन रहा है बड़ा सा, इसमें आप चावल दाल सब्जी सब कुछ खा सकते हो। ये ट्रेडिशन है ट्राइबल्स का, बट इसको इनकरेज करा जाना चाहिए। आप समझ रहे हो कि अगर इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हम तैयार करते हैं छोटे लेवल पे, तो ये एक साइड इनकम तैयार है फार्मर्स को, लेबर्स को, उनका एक पॉकेट मनी और एक्स्ट्रा इनकम, से बच्चे भी बना सकते हैं। तो मतलब इनके घर में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट आएगा आपके एक छोटे से इनिशिएटिव से। आप पूजा में सब चीजों को यूज करते हो प्रसाद बनने के लिए, तो क्यों ना आप फंक्शन में आप कटोरी यूज करते हो हलवा खाने के लिए, तो ये सब चीज को यूज करो। अब ये थाली का भी झंझट नहीं है, डिस्पोज हो जाएगा। और कितने लोगों को आप सपोर्ट करोगे इनकम के साथ, तो ये सब चीज सोच करके चलना चाहिए। तो मेरा मेन मकसद ये, देखिए जैसे कि ये तैयार हो चुका है ये प्लेट, अब आप खाने के लिए ये प्लेट तैयार है, ये कटोरा तैयार है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरे सामने ये आप देख सकते हो ये जंगल है जहाँ से ये प्लेट इन पत्तों का कलेक्शन किया गया है। ये देखो दो कटोरा तैयार हो चुका है, कटोरा है, प्लेट है और एक छोटा सा कटोरा है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो भी तैयार है खाने के लिए। तो आज की तो पार्टी हमारी इसमें ही होने वाली है, क्योंकि ये अब मुझे भी बहुत पसंद है इसमें पार्टी करना, इसलिए हमने इसे बनाया है। और आपके साथ साथ इसे मैं भी सीख रही हूँ बनाने के लिए कैसे बनाया जाएगा। तुरंत बहुत ही जल्दी तैयार हो गया है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, इंडिया का इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, उन्हें अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद हैं, बहुत सारे मतलब कि डिज़ाइनर प्लेट्स थाली में खाना आपके रॉयलिटी को दर्शाता है। पर रॉयलिटी के जो रॉयल लोग होते हैं, रियल में जो रॉयलिटी आती है वो आपको कहाँ से आती है? यहाँ से आती है ना, आपके घर से, आपके नेचर से आती है। उसको रिस्पेक्ट करो, उसको उसका कद्र करो, ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ों का यूज करो, इसको इनकरेज करो। एक हैंड आपका एक स्टार्ट, एक छोटा सा आपका स्टार्ट किसी लोगों की कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां भर सकती हैं। तो उस खुशी को देने की कोशिश करो इस छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से। आपको नहीं पता कि आपका एक छोटा सा चीज़ आपको कहाँ, आपके जो एक रुपया है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, किस छोटे लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए। और इसकी तो इंडस्ट्री भी नहीं है, इसको हम आगे लेकर जाना जरूर चाहेंगे। इतना हम देख रहे हैं, एक पार्टी के लिए पूरा तैयार है, नीचे बैठकर खाना तो लोग भूल ही चुके हैं, अलग टेबल चेयर चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है कि हमें जब भी कोई पार्टी होती है तो नीचे में एक बिस्तर, नीचे में हम लोग परात में बैठ करके खाना पसंद करते हैं। अभी तक गाँव में ये फॉलो हो रहा है इंडिया के, लेकिन ये लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसे धीरे धीरे इंकरेज करना हम यंगस्टर का काम है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक करें, शेयर करें।